हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम करने वाले बहुत ही बेहतरीन टू एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो वैसे तीन करेंगे टोटल सेट में, लेकिन मैं आपको दो करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास इफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो वाई वन ग्रेटर देन जीरो साथ में टू एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन। थोड़ा सा ध्यान से देखना, जहाँ पर इस टू को आप यदि इस साइड लिखते हैं नीचे, तो इसका मीनिंग हमारा एक्स एन प्लस वन क्या है, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर, एंड वाई एन प्लस वन क्या है, दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू द नंबर, ठीक है, ऑफ टू नंबर्स। एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हमें शो क्या करना है कि दोनों के दोनों सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंसेस है एंड अप्रोच कॉमन लिमिट को करती है एल, एंड लास्ट में आंसर बताना है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन कॉमा एक्स वन इन टू वाई वन। सो दिस इज द होल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट, देखें कैसे करना। सबसे पहले हमें जो गिवन है x1 एंड y1 कैसा हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या होगा प्रूव करते हैं। सिंस हमारे पास x1 एंड y1 ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर आपका xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन होगा 0, ठीक है, एंड साथ में आपका yn भी ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जिस सारे के सारे नंबर हमारे पास कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार स्टेटमेंट मेरे को कन्फर्म करने दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो हमने स्टार्ट किया कि x1 ग्रेटर देन 0 एंड y1 ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग हमारे पास दो डिफरेंट सीक्वेंसेस है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या कर लेते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कंसिडर कर लो कि आपके पास क्या है, जो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है x1 इज ग्रेटर देन y1 है, ठीक है, सो हमने कंसिडर कर लिया। अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है टू एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन, देयरफॉर इसका मीनिंग एक्स एन प्लस वन क्या है, इज अरिथमेटिक मीन है किसका, ऑफ एक्स एन एंड वाई एन का। सो दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एन वाई एन। सो सिमिलरली यदि आप n को 1 पुट करें, जहां पर इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1, तो विच इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन, देयरफॉर इसका मीनिंग क्या है, x2 इज अरिथमेटिक मीन होगा हमारे पास ऑफ x1 एंड y1 का। अब देखना ध्यान से, मैंने कल भी इसी बात पर जोर दिया था, अभी आपके पास x1 ग्रेटर है y1 से, x2 अरिथमेटिक मीन होने के कारण इन दोनों नंबर के बीच में चला जाएगा, तो विच इम्प्लाइज आपका इनके सेंटर में x2 चला जाएगा, विच इम्प्लाइज x1 ग्रेटर देन x2 होगा एंड ग्रेटर देन y1, नंबर वन इसे मार्क कर ले। तो जहां तक देखे कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। सेम लाइन पर हम आगे स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है इस नंबर के लिए, अगेन हमारे पास क्या है, दैट इज 2 ओवर वाई एन प्लस वन विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एन प्लस 1 ओवर वाई एन है, दैट इज आप लिख सकते हो जहां पर कि आपका जो वाई एन प्लस वन है इज हार्मोनिक एच एम ऑफ एक्स एन एंड वाई एन है। जहां पर भी आपने एन को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, जहां पर भी हमने एन को क्या पुट करना है, सिंपली 1 पुट कर दीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, जहां पर विच इम्प्लाइज 2 ओवर y2 इज इक्वल टू 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर y1, इसका मीनिंग क्या होगा, आपका जो y2 है इज हार्मोनिक मीन होगा किसका, ऑफ xn सॉरी x1 एंड y1 का, ठीक है, और आपका x1 ग्रेटर देन y1 है, तो आपका हार्मोनिक मीन में जो नंबर है वो भी इन दोनों के बीच लाई करेगा, विच इम्प्लाइज आपका जो x1 है वो बड़ा होगा y2 से एंड बड़ा होगा y1 से, दिस इज नंबर 2। तो ये हमारे पास है, हमने दोनों को मोनोटोनिक सीक्वेंस शो करना है, कल की तरह ही हम इसको वर्क कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से कंपेयर करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कोई भी दो नंबर है उनका जो अरिथमेटिक मीन होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। क्या आपको पता है हार्मोनिक मीन क्या होता है, यदि आपके पास दो नंबर, आपके पास 3 नंबर जो है लाइक वो एपी में है, तो उनके जो रेसिप्रोकल होते वो हार्मोनिक मीन में होते, उनके दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास 3 नंबर्स एपी में है तो हमारे पास उन नंबर्स के रेसिप्रोकल एचपी में होते हैं, इसका मीनिंग यदि हमारे पास जो नंबर 3 नंबर है जहाँ पर इस तरह से, यदि ये एचपी में है जहाँ पर देखना एक्स वन वाई वन जो एक्स टू है, अब ये 3 नंबर्स क्या है एचपी में है, जब आप इनके रेसिप्रोकल लेंगे मीन दिस इज द सिंपल 1 ओवर x1 1 ओवर y2 एंड 1 ओवर हमारे पास y2, जब इनका रेसिप्रोकल लेके आप x1 y1 और
Y2 की बात करेंगे तो वो नंबर हमारे पास जहां पर कैसे है AP में है, तो इनका आपस में लिंक होता है और आप हमेशा याद रखें कि आपका AM greater than HM होता है, दिस इज द सिंपल लोएस्ट। आप किसी भी लोअर क्लास में से जाइएगा, इसे फाइंड कर देख लेना, ठीक है। आप इसमें एक रिलेशन फाइंड करना AM, HM और GM जो ज्योमेट्रिक मीन होता है। उसके बाद अब आपने बोला कि हमने बोला कि AM greater than होता है HM, वापस आइएगा जहां पर What is our? This is X2, जो कि arithmetic mean इन दोनों नंबर का है और इन्हीं दो नंबर के पास हमारे पास क्या है HM। इन दो नंबर्स का जो AM है उन्हीं दो नंबर का हमारे पास क्या है HM। तो इसका मीनिंग जो हमारा X2 होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन Y2 होगा। अभी साथ ही में फ्रॉम 1 जो आपका X2 है वो कैसा है, लेस देन X1 है। साथ ही में इस इक्वेशन नंबर 2 को देखे ध्यान से, Y2 कैसा है, ग्रेटर देन Y1 है। This is the number one. तो हमारे पास एक ऐसी जो आपके पास लिंक बन जाएगा कि X1 greater than X2 greater than Y2 greater than Y1। Again आगे मूव करते थोड़ा सा, यदि आप X3 की बात करेंगे, यहां पर X3 की बात करेंगे, हमारे पास क्या होगा, 2X3 is equal to X2 plus Y2 होगा। अब X3 इन दो नंबर के बीच लाई करेगा, इसका मीनिंग X2 greater than होगा X3 greater than Y2 होगा। इस तरह से हमारे पास एंड सिमिलरली आपके पास क्या होगा, 2/3 इज इक्वल टू 1/X2 प्लस 1/Y2 होगा। और जहां से हमारे पास क्या होगा, X2 ग्रेटर देन Y3 ग्रेटर देन Y2 होगा। अब सभी को कंबाइन करते हैं, आपका यहां पर हमने फोकस किसके ऊपर करना है, AM एंड HM। अभी आपका जो X3 है इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है और जहां पर Y3 सेम नंबर्स का क्या है हमारे पास क्या है, HM है। तो इसका मीनिंग हमारा जो X3 होगा वो ग्रेटर देन कैसा होगा, Y3 होगा। वापस जाकर इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, X3 किससे छोटा है, X2 से छोटा है, और X2 किस नंबर से छोटा है, X1 से हमारे पास स्मॉल है। Y3 हमारा किस नंबर से बड़ा है, Y2 से बड़ा है, और Y2 आपका इसी इक्वेशन से देखें किससे नंबर बड़ा है, Y1 से बड़ा। तो हमारे पास एक लिंक सा बन रहा है जहां पर, सो यदि हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो देयरफॉर प्रोसीडिंग इन दिस वे, आपको अभी समझ में लग गया होगा, इफ वी प्रोसीड इन दिस वे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स होंगे, एक सिक्वेंस बन जाएगी और सिक्वेंस को हमने मोनोटोनिक डिस्कस करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सो प्रोसीडिंग, यदि हम इसको प्रोसीड करते हैं इन दिस वे, बी गेट, तो हमारे पास क्या होगा, X1 ग्रेटर देन X2 ग्रेटर देन X3, ये X की सीक्वेंस ऐसे चलती चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर कहीं से फिर Y की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, जैसे लाइक Y3 है, Y2 है एंड Y1 है, ऐसा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, जहां पर थोड़ा सा शायद बुक में मिस्टेक होगी, यदि एग्जांपल आपके सामने है, मेरे को जो लगता है जहां पर आपका जो X1 है सबसे बड़ा, अब जो नेक्स्ट टर्म X2 आई वो इससे लेसर है, X3 X2 से लेसर, तो इसका मीनिंग X1 की वैल्यू उसके कम हो रही है, जहां पर X1 की सीक्वेंस जो है वो कम हो रही है, सो विच इंप्लाइज XN कैसी होगी, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये डिक्रीज तो करी है लेकिन इसकी जो वैल्यूज है वो Y1 से बड़ी है, जो X की सीक्वेंस है डिक्रीज कर रही है, नीचे जा रही, लेकिन एट सम टाइम आप यदि जहां पर पहुंचेंगे, ये एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इसकी सारी की सारी वैल्यूज Y1 से ऑलवेज बड़ी होगी, सो XN इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड क्या है, बाउंडेड बिलो है। अगेन एंड उसकी तरह से हम यदि हम YN की बात करेंगे, YN देखना हमारे पास क्या है था, Y2 Y1 से बड़ा है, Y3 Y2 से बड़ा है, इसका मीनिंग जो नेक्स्ट टर्म ऑफ प्रीवियस टर्म से क्या है, लार्जर आ रही है, इसका मीनिंग ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी होगी, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका मीनिंग दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यहां पर सीक्वेंस लिख लेना, ठीक है। एंड साथ में देखना, अब Y3 जो Y की वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन एक टाइम पर जाकर वो X1 से सारी की सारी कहीं ना कहीं जहां पर X1 जो उनके ऊपर लगा हुआ है, सो दिस ऑल आर इंक्रीजिंग बट एट द सेम टाइम बाउंडेड अबव है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बाउंडेड अबव। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर आपके पास दोनों की दोनों सीक्वेंस कैसी होगी, XN एंड YN कैसी होगी, आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस।
आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। तो हमने फर्स्ट टाइम क्या शो कर दिया है कि हमारे पास दीज आर द मोनोटोनिक सीक्वेंसेस एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर। अब हमने शो करना कि दे आर टेंडिंग टू द सेम लिमिट एल्गो कर रही है। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास जब आपके पास सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। तो हमने कंसिडर कर लेना है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मान लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू एल है, एट द सेम टाइम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाई एन की जो लिमिट है वो मान लेते हैं एम है, ठीक है। किसी पर भी लगा दो, जहां पर लगा दो, जहां पर आप लगा सकते हो, हम जहां से देखते हैं। तो देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू एक्स एन प्लस वन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वाई एन, जब आप अप्लाई करेंगे तो एक्स एन प्लस वन आपका एल बन जाएगा, जहां पर एल है और ये हमारा एम है। तो यदि आप माइनस करेंगे एल इज इक्वल टू एम। तो यही तो हमने प्रूव करना था, दोनों की जो लिमिट पॉइंट है वो कैसा है हमारे पास, सेम लिमिट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, दैट इज बोथ हैव द सेम लिमिट, दोनों की जो लिमिट है हमारे पास सेम है। तो देयरफॉर एक्स जो हमारे पास लिमिट है एक्स एन की सीक्वेंस की एंड एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एन, दोनों की लिमिट क्या है हमारे पास एल है। तो जहाँ तक तो हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल चल रही है, आप इसको वीडियो को दोबारा से देखना, एक बार रिपीट करके सारा समझ लग जाएगा, कहीं कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं थी। कल हमने काफ़ी टाइम दिया तो ये सारी की सारी सेम लाइन पर चल रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या मूव करना है, इसी लिमिट को हमने फाइंड करना कि इतनी होगी। अब हमारे पास क्या एक रिलेशन आपने बहुत ज्यादा रखना है, हमारे पास क्या है नाउ फॉर द टू नंबर्स, नाउ फॉर द टू हमारे पास यदि नंबर्स हम कंसिडर करते हैं एक्स वन एंड वाई वन वी हैव। अब इन दो नंबर्स के लिए हमने स्टार्टिंग में क्या था, एक्स टू क्या था हमारे पास इन दोनों का अरिथमेटिक मीन था, एक्स टू इज़ द अरिथमेटिक मीन। जब हमने वाई टू की बात की थी वो हमारे पास क्या था इन दोनों का हार्मोनिक मीन। यदि आप इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना चाहते हैं दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टू नंबर्स। तो हमने ए एम एच एम और जी एम लिख देना। मैंने बोला था इन रिलेशन को आप याद रखिएगा, हमारे पास रिलेशन होता है कि ए एम मल्टीप्लाई एच एम इज नथिंग बट इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हो इसकी स्क्वायर रूट हमारे पास जी एम के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास एक्स टू एच एम की वैल्यू वाई टू और दिस इज वॉट एक्स वन इंटू वाई वन, और यू कैन राइट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स टू हमारे पास है वाई टू है इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, जहां पर ध्यान देना जी एम की वैल्यू है अंडरूट ऑफ एक्स वन वाई वन, जी एम की वैल्यू दोनों साइड आप यदि स्केयरिंग करेंगे तो हमारे पास एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन आ जाएगा। यदि हम इसी चीज को प्रोसीजर को रिपीट करते हैं आगे के आगे, जैसे हमने अभी नंबर एक्स वन और वाई वन की बात की, लेकिन संबंध से कि आप एक्स टू एंड एक्स वाई टू को कंसिडर करते हैं, इन दैट केस हमारे पास एक्स थ्री और वाई थ्री आता, तो उसी केस में हमारे पास क्या होता है सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एक्स थ्री वाई थ्री वो किसके इक्वल होगा एक्स टू एंड वाई टू के, एंड दिस विच इज इक्वल टू एक्स वन एंड वाई वन। सो जहाँ पर चलते हैं एंड सो ऑन, एंड सो ऑन यदि हम इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एंड सो ऑन करते करते हमारे पास क्या होगा एक्स एन वाई एन विच इज इक्वल टू अपने से एक कम एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, चलते चलते हमारे पास एक्स टू वाई टू एंड इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन के इक्वल होता। सो ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें तो इसके ऊपर लिमिट लगानी है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एक्स एन वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन वाई एन एंड टेकिंग लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब आप लिमिट ही लिखाएंगे जहाँ पर, तो एक्स एन की लिमिट क्या है एल है और वाई एन की लिमिट क्या है वो भी एल है, तो विच इम्प्लाइज हमारे पास क्या होगा एल इंटू एल इज इक्वल टू एक्स वन इंटू वाई वन, दैट इज हमारे पास जो एल स्क्वायर है वो कितनी आ जाएगी एक्स वन इंटू वाई वन। सो दिस इज अब क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना था। तो इस वीडियो को आपने देख लेना है, दो चीज़ें थी जहाँ पर हमने एक यूज किया था कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक, दिस इज अवर की पॉइंट, आपको याद कैसे रखना है। उसके बाद सिंपल लिमिट हमने फाइंड की, और फिर से एक ट्विस्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हमें जे रिलेशन इसमें यूज करना है। तो ये दो की पॉइंट है इस एग्जांपल के लिए, यदि एग्जाम में आ जाती है तो दो की पॉइंट के साथ ये एग्जाम्पल हो जाएगी। होप सो आपको समझ लगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जो सबसे डिफरेंट एग्जाम्पल है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके दो पार्ट है एग्जाम, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। फर्क कितना है,
ए पार्ट में यदि आपका एक्स एन प्लस वन ऐसा है और बाई एन प्लस वन ऐसा, तो बी पार्ट में उन्होंने चेंज कर दिया, जहां पर इस इक्वेशन को उन्होंने, इस रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने एक्स एन प्लस वन कर दिया, इसको उन्होंने वाई एन प्लस कर दिया, तो वो आपका सेम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिफरेंट अब तक की और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, यदि आ जाएगी तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनसे ये नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए आपने इसे ध्यान से करना और आप वहाँ पर करेंगे एग्जाम में तो आपके जो मार्क्स आएंगे वो टॉप रैंक पर आएंगे। सो दैट्स व्हाई आई कॉल यू एज अ टॉपर्स, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है वो हमें देख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले एक को प्रूफ करते हैं, सिक्वेंसेज है, काम सिर्फ इतना है कि ये पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है, हमें इसको कन्वर्स करना है ए को, एक्स एन प्लस वन ए को कन्वर्स करती, वाई एन प्लस वन ए को कन्वर्स करती, तो दिस इज अवर ट्रिक। यहाँ पर गिवन हमारे पास एक्स एन प्लस वन है, टू ए स्क्वेयर एक्स एन ओवर एक्स एन स्क्वेयर है प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहला जो की पॉइंट आपने जहां पर क्या करना, दोनों साइड को ए से क्या कर देना है, डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स एन प्लस वन ओवर ए, और जब आप इस साइड को करेंगे तो ए के से ए कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर टू ए एक्स एन ओवर एक्स एन स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने सिंपली क्या करें, यहां पर आप अप्लाई कर दीजिएगा, जहाँ पर आपने क्या करना है, अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड डू आप ये कर सकते हैं, और जहाँ फिर आप टेकिंग रेसिप्रोकल, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, दोनों साइड को सिंपल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो दिस इज ए ओवर एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड ओवर टू ए एक्स एन आ जाएगा हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, अप्लाई कर देना है, अप्लाई एक रूल होता है ना जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट डू एंड डिविडेंडो, उसमें क्या होता है, इसके स्पेलिंग आपको लिखना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, स्पेलिंग में थोड़ा सा मैं अच्छा हूँ आपको पता ही चल गया होगा, वी गेट। इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास रेशियो है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ सकता है, आप लिख सकते हो इसको सिंपली, जहाँ पर आपका सब कुछ सही चल रहा है, यस, तो हम इसको जहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये इनकी रेशियो जो है वो सेम होती है, देखिए ध्यान से, ए ओवर बी एंड सी ओवर डी की रेशियो इक्वल है, तो ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी एंड सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी की रेशियो भी सेम आएगी, दिस इज द रूल, ठीक है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम जहां पर कर देते हैं, करेंगे क्यों वो पता चल जाएगा आपको, आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू ए बी, लेकिन अभी जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में कोई लिंक नहीं है, यदि आप जी रूल लगाएंगे तो जो जहाँ पर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो रूल बन जाएगा, बात बन जाएगी हमारे पास। तो इसे कैसे लिखना है, जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स एन प्लस वन ओवर a प्लस एक्स एन प्लस वन, सिमिलरली ऑन द दैट साइड एक्स एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स एन, और नीचे आ जाएगा एक्स एन स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स एन। और जैसे ही हमने इस लाइन को लिखा तो एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी, बिकॉज नाउ भी मतलब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिसे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं, और इसे हम एक एक्सप्रेशन की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, जो है एक्स एन की स्क्वेयर जी ए की स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स एन, दिस इज वर्ड, दिस इज अवर, आप इसको इसी अंदाज में लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट एक्स एन माइनस ए और यू कैन राइट ए माइनस एक्स एन, वी कैन यूज सिंपल अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज स्क्वेयर होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका स्क्वेयर है और नीचे वाला क्या है, सेम है a प्लस एक्स एन। तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि a माइनस एक्स एन की स्क्वेयर न्यूमिनेटर में एंड a प्लस एक्स एन की स्क्वेयर जो है डिनोमिनेटर में आ चुकी है, तो दिस इज वर्ड, बट वी गेट a माइनस एक्स एन प्लस वन ओवर a प्लस एक्स एन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जो इसके प्रिसीडिंग है, जो इसकी बैक वाली टर्म है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उसके ऊपर क्या आ चुका है, एक्सपोनेंट क्या आ चुका है, टू आ चुका है। तो सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली इस नंबर की वैल्यू यदि आप देखेंगे, आप टू को यदि मैं हटा देता हूं जहां पर, तो हमारे पास a माइनस एक्स एन माइनस वन ओवर a प्लस एक्स एन माइनस वन, जैसे इसकी बैक या तो स्क्वायर आ गया था, यदि आप स्क्वायर को दो मिनट के भी आप रखते हो डिस्पेयर करते हो, तो इसका आंसर भी स्क्वायर आएगा, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर आने से ये टू हो जाएगा इस तरह से, डेट इज लाइक टू की पावर हम इसको टू लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इसको और कंटिन्यू करते हैं तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर लिखना चाहूंगा, तो देयरफॉर बी गेट टोटल को हमने क्या ऑब्जर्व किया, ए माइनस एक्स एन प्लस वन ए प्लस एक्स एन प्लस वन विच इज इक्वल टू
ए माइनस एक्स एन ओवर ए प्लस एक्स एन की स्केयर। मैं इसका अंदाज चेंज करना चाहता हूँ आपके लिए थोड़ी सी, जहाँ पर मान लो जो 2 की पावर 0 है, ये फर्स्ट टर्म थी, जैसे ही आप नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म को एंटर करें तो आपके पास 2 की पावर 1 होगी। देखिए टर्म सेकंड है 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू होगी ए माइनस एक्स एन माइनस वन ओवर ए प्लस एक्स एन माइनस वन 2 की पावर 2। देखिए टर्म थर्ड है और पावर कितनी है 2, और हम इसको कब तक लेकर चलेंगे, हमारे पास सबसे छोटी टर्म होती है x1 होती है, तो वी कैन कंटिन्यू इट अप टू सो ऑन एंड दीज ऑल आर इक्वल एंड लास्ट पर जल्दी जल्दी हमारे पास a माइनस x1 होगा और a प्लस x1 होगा, इसकी पावर कितनी होगी 2 की पावर n माइनस 1। आर यू गेटिंग हाउ वी कैन टेक दिस पावर, हमने पावर को कैसे कंसिडर किया, वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार फिर से। समझ लो जो फर्स्ट हमारे पास तो उसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, लेकिन मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, बिकॉज 2 की पावर 0 1 होता है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपके पास फर्स्ट टर्म थी तो 2 की पावर 0 थी, सेकंड टर्म में एक पावर कम चलेगी, 2 की पावर 2 की चल रही, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म जितनी आपकी पोजीशन है उससे कम आएगी। सो हमने एन प्लस वन से स्टार्ट कर 1 तक चले गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, हमने एन टर्म्स का जो सफर है वो तय किया। तो जब आप एन टर्म का सफर तय करेंगे तो आपका ए कम आएगा पावर एन माइनस वन। जैसे थर्ड टर्म पर पहुंचे थे तो 2 की पावर 2 आई थी, ए कम। फोर्थ टर्म पर पहुंचेंगे 2 की पावर 3 आएगी, जब एन टर्म पर पहुंचेगा तो 2 की पावर n माइनस 1 आएगी, ए कम ही चलेगी। ठीक है, तो जहां तक आपको शायद समझ में लग गया होगा। तो इससे हमने क्या करना, सारे के सारे क्या हमारे पास इक्वल ही है, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं, इक्वल रिजल्ट्स हैं। अब नाउ आपको पता आपका जो सारे की सारी सीक्वेंस कैसी है, पॉजिटिव टर्म की है और ए भी आपका पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नाउ ए माइनस एक्स वन ओवर ए प्लस एक्स वन की जो रेशियो है, दो नंबर आपके पास पॉजिटिव है, लाइक आपका 2 है, 2 माइनस 3 करेंगे एंड 2 प्लस 3 करेंगे, आंसर कितना आएगा नेगेटिव। यदि हम मॉड ले लेते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, ऊपर तो आपके पास बन रहा है माइनस का 1, दैट इज आप एब्सोल्यूट वैल्यू रहे हैं, और नीचे 5, तो दिस इज लाइक 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 2, जो कि लेस देन 1 होगा। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पर फिर भी बता देना चाहता हूँ, यस आपको दिखाई दे रहेगा, तो दिस इज 0.2 जो कि लेस देन 1 है। जब आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है लेकिन आप न्यूमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका डिनोमिनेटर लार्जर होगा एज कंपेयर टू द न्यूमिनेटर। सो टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज नाउ वी हैव टेकन द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लेस देन 1 होगी। तो ये हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ चुका है। और उसी के साथ देखिए जहाँ पर हमारे पास हमने जहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों कंसिडर की, बिकॉज मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जहाँ पर क्या है, स्केयर है, 2 की पावर है। तो हमें हमारे पास क्या होता है, आप किसी नंबर का स्केयर एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करें इस तरह से, मतलब सिंपल इस तरह से, दोनों का आंसर सेम ही होता है, एक्स स्केयर कैन बी रिटन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की स्केयर, दोनों का आंसर ऑलवेज सेम आता है। तो हमने इस नंबर के स्केयर को इस अंदाज में लिख सकते हैं, ठीक है, अभी मैंने प्रॉपर नहीं लिखा लेकिन आगे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर आपके पास अभी जो नंबर का स्केयर है, सो दिस इज वर्ड, यदि आप अभी इसको 2 को छोड़ देंगे तो आपके जो x है वो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x यदि आपके पास 1 है तो ऐसे नंबर की पावर यदि आप इन्फिनिटी करते हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। जी हमने रिजल्ट किया था कि इफ हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस देन 1 है तो देन हमारे पास क्या होगा, r की पावर n टेंडिंग टू 0 करेगा एज एन टेंडिंग टू इनफिनिटी। सो दिस इज द रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी, मतलब हम इसको यूज कर चुके हैं, कहां पर मुझे याद नहीं, लेकिन दिस इज द रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज। सो हमने इस टर्म को फोकस करना, सो जो टर्म है हमारे पास इसकी पावर कितनी n माइनस 1 है, और यदि हम इस सीक्वेंस को इन्फिनिटी तक स्टडी करते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी तक जाएगा सीक्वेंस से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होती है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर a माइनस एक्स वन, अभी हमने मॉड r को डिस्कस कर लिया, अभी हमने सिंपली r की पावर करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर ली, इसकी कितनी आ रही है, फिर उसकी जो पावर है उसके ऊपर रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, a प्लस एक्स वन की पावर 2n माइनस 1, दिस टेंडिंग टू 0 करेगा हमारा जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। अरे वाह, इसका मीनिंग यदि हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे सारे के सारे सारे आंसर जो लास्ट वाला 0 के इक्वल होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ है, जो सारे के सारे रिजल्ट तो सेम है, वापस अगर देखना जो सारे के सारे सेम है,
इसका मीन द वेरी फर्स्ट टर्म जो हमारे पास वेरी फर्स्ट टर्म थी यहाँ पर अभी हटा देता हूँ बिकॉज हमने तो समझने के लिए लिखा था. इसका मीन जो वेरी फर्स्ट का डिल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू कब किसके होगा जीरो के इक्वल कब जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी. आप पहले जहाँ पर लिख लो तो इसका मीनिंग मैं आगे लिखना वाले हूँ कि इसका रिजल्ट हमारे पास टेंडिंग टू जीरो कर जाएगा जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो आप जहाँ तक लिख लो हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, एक चीज़ और मेरे को अभी मैंने इसको रफ कर दिया है. आप क्या करना है, एक चीज़ जहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो सकती है. हमने किया जो हमने अभी स्टार्ट किया था हम ऐसा कर रहे थे कि a माइनस एक्स एन प्लस वन और a प्लस एक्स एन प्लस वन हमने इसको डिस्कस किया. दिस इज इक्वल टू a माइनस एक्स एन ओवर a प्लस एक्स एन की स्केयर कर दी थी. फिर विच इज इक्वल टू a माइनस एक्स एन ओवर a प्लस एक्स एन की टू की पावर टू. अब देखना ध्यान से, तो हमारे पास जब हम इसको चल रहे हैं ऐसे कंटिन्यू करते करते जहाँ पर माइनस वन है ओके तो दिस इज द थर्ड टर्म और हमने क्या करना है एन प्लस वन से मूव करके वन तक जाना है. तो हमारे पास टू की पावर कितनी आएगी फिर से देख लेते हैं एक बार. मेरे को थोड़ा सा बुक में अभी देखा मैंने डाउट लगेगा आपको शायद कहीं ना कहीं, सब कुछ सेम है आपको पता भी नहीं चला होगा कि डाउट कहाँ पर है. हमने n प्लस वन से स्टार्ट किया, शायद आपकी बुक में यदि ये एग्जाम्पल सॉल्व तो उन्होंने n से स्टार्ट किया, उन्होंने n को एज इट रखा फिर उसके बाद उन्होंने रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. तो दैट इज़ अ सिंपल थोड़ा सा एक हो सकता है. तो हम जहाँ से यदि हम देखते हैं कि कितनी पावर आएगी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी कभी भी ऐसा कुछ डाउट होगा तो ऑब्वियसली आपको पता कि 1 से लेकर हमने n प्लस वन तक की बात की, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन है. तो जब आप सेकंड पर चलेंगे तो 2 आएगा, नेक्स्ट चलेंगे 3. तो आप क्या करना जहाँ पर सिंपल n कर लेना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सिंपल n कर लेना. ठीक है, बिकॉज अभी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n प्लस वन आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एक कम होगी तो जहाँ पर n कर लेना. तो जहाँ पर हमने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया था कोई फर्क नहीं, ये तो समा के अच्छी बात है कि नंबर बड़ा है तो ये टेंडिंग टू जीरो करेगा. सो जितनी पावर ज़्यादा होगी उतनी ईजिली वो टेंडिंग टू जीरो करेगी जब हमारे पास नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन होती है. सो दिस इज द सिंपल, आप भी देखना अपनी बुक में ये हो सकता है. ठीक है, इसका मीनिंग ये सारी टर्म का आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा. तो आप चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, जब हम जनरल करते तो हम n के साथ काम करते हैं. इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास ये जो नंबर है a माइनस एक्स एन ओवर a प्लस एक्स एन इसका जो स्केयर है ये भी टेंडिंग टू जीरो करेगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. बिकॉज जब हमने इसके ऊपर ये कंडीशन लगाई कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसका आंसर जीरो आता है, इसका मीनिंग बुस कंडीशन हर एक नंबर के ऊपर लगेगी तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी लगेगी. अभी नंबर टेंडिंग टू जीरो है किसी नंबर का और स्केयर टेंडिंग टू जीरो है किसी का, स्केयर टेंडिंग टू जीरो है इसका मीनिंग वो खुद नंबर जीरो को टेंड करता होगा इसीलिए उसका स्केयर जीरो को टेंड करता. अदरवाइज स्केयर तो लार्जर नंबर होता है ना, जब आप टू का स्केयर लेते वो फोर होता है, फोर का स्केयर हमारे पास एट होता है. तो दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर, उसका स्केयर और छोटा हो गया इसका मीनिंग दिस नंबर इज इट्सेल्फ टेंडिंग टू जीरो. सो दिस इज अ लॉजिक जो हमने खुद से लॉजिक लगाया जहाँ पर जो मेरे को ठीक लगा. ठीक है, और आप भी इससे एग्री करना. ठीक है, देखना अपना दिमाग यूज कर कि दिस इज द बेस्ट वे. सो दिस टेंडिंग टू जीरो करेगा एज एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अरे वाह, इसका मीनिंग दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट. यही तो हमारे पास लिमिट होती है कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस टेंडिंग टू जीरो. जहाँ तक स्टॉप करते हैं, ये एक स्टेप हुआ अभी तक हमने क्या किया, ए माइनस एक्स एन ओवर ए प्लस एक्स एन की लिमिट फाइंड की टेंडिंग इन्फिनिटी है. अभी हमारे पास जो प्रॉपर सीक्वेंस है एक्स एन उसके ऊपर बात करते हैं कि वो सीक्वेंस कैसी है, क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है या फिर अनबाउंडेड सीक्वेंस है. अभी तो हमने ना ए माइनस एक्स एन ओवर ए प्लस वन हमने एक फ्रैक्शन टाइप चीज़ को सॉल्व किया है जो टेंडिंग टू जीरो करती है और जहाँ पर ए की पार्टिसिपेशन है. लेकिन हमारे पास जो सीक्वेंस एक्स एन है उसका नेचर कैसा है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा. तो देखते हैं कैसे करना है. आपके पास सारी टर्म कैसी है, पॉजिटिव है. तो हमारे पास क्या है, वी हैव एक्स एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अरे इसका मतलब सारी की सारी टर्म जीरो है. तो माइंड में ये डाउट आ सकता है क्या यदि टेंडिंग ग्रेटर पॉजिटिव टर्म है हमारे पास. ठीक है, सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं और इस फॉर्मूले के साथ हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर रहे हैं. तो माइंड में ऐसा है कहीं ना कहीं कोई विचार ऐसा आ सकता है कि कहीं ये टर्म्स बढ़ तो नहीं रही और ये जो एक्स एन की टर्म्स है बढ़ तो नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम इन्फिनिटी तक चलेंगे एक्स एन इटसेल्फ इन्फिनिटी बन जाएगा, ऐसा डाउट आ सकता है. तो उसी डाउट को करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, हम कर लेते हैं कि इफ पॉसिबल
मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने कि हमारा जो एक्स एन है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक डाउट आ सकता है और इसी डाउट को हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो जब हमने इस डाउट को कंसिडर किया एक्स एन को, तो हम इसकी लिमिट फिर से एक बार चेक करेंगे। सो नाउ अब हमारे पास क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए माइनस एक्स एन ओवर ए प्लस एक्स एन विच इज इक्वल टू, हम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं, इसका मीनिंग जे भी इन्फिनिटी बन रहा है, जे भी इन्फिनिटी बनेगा इसके अकॉर्डिंग, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म होगी। लेकिन हम इसे बचा सकते हैं कैसे, आप एक्स एन को कॉमन ले लेंगे, टेकिंग एक्स एन कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर दैट इज ए ओवर एक्स एन माइनस वन, एंड नीचे से भी कॉमन आएगा ए ओवर एक्स एन प्लस वन, तो जहां से ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट करो, अब जब आप एन इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे एक्स एन इन्फिनिटी मीनिंग ए ओवर इन्फिनिटी जीरो जीरो, तो जीरो माइनस वन ओवर जीरो प्लस वन, इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अभी दो मिनट पहले हमने इतने अच्छे वे में सब एक चीज को सही परफेक्टली करते हुए इस सीक्वेंस का, इस रिलेशन का यूज करते हुए हमने ये कंक्लूड किया कि जो इसकी लिमिट है, देखिए इसको अंदाज ही है, कहीं बच्चे जहां पर कंफ्यूज ना हो जाए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसका लिखने का अंदाज यही है एक्स एन ओवर ए प्लस एक्स एन इज इक्वल टू जीरो, आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अभी दो मिनट पहले हमने इस लिमिट को चेक किया था कि इसकी लिमिट कितनी है, जीरो है, और जैसे ही हमने अपने डाउट को क्रिएट किया, हमने उसको थोड़ा सा रियलिटी किया, सिचुएशन देने की कोशिश की पॉसिबल लगाकर, तो हमने कुछ और ही पाया, और हमने क्या पाया, इसकी जो लिमिट है वो माइनस वन है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो ऊपर किया उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, दैट इज 100% करेक्ट, इसका मीनिंग प्रॉब्लम आई कहाँ पर होगी, एक पॉसिबल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इसका मीनिंग एक्स एन आपका टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं करेगा, इसका मीनिंग क्या होगा, वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो एक मिनट बस, इसका मीनिंग क्या होगा, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हम लिख सकते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, विच कॉन्ट्राडिक्ट वन, विच कॉन्ट्राडिक्ट वन, तो देवपुर हम कहेंगे कि एक्स एन हमारा डज नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर और क्या होगा, यदि एक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं करता, साथ में पॉजिटिव टर्म की सिक्वेंस है, इसका मीनिंग वो बाउंडेड होगा, इसका मीनिंग वो बाउंडेड होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई अपर बाउंड लगी, वो उसके अंदर अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। और वैसे भी आपने लिमिट जहां पर शो करनी है कि इट कन्वर्जेस टू ए, तो आपकी सीक्वेंस है टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो नहीं कर सकती, लेकिन हमने जहां पर शो करवाना था, तो विच इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा, एक्स एन कैसा होगा, इज बाउंडेड सीक्वेंस होगी। बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, आपको पता है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो लोअर बाउंड तो है, इसके पास कोई ना कोई अपर बाउंड भी होगी, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू, आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर, सच दैट जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स एन लेस देन के होगा, ये हमारे पास क्या हो चुकी है, बाउंडेड हो चुकी है। अभी हमने क्या करना, ये हमारे पास बाउंडेड है, यदि आप दोनों तरफ ए को ऐड कर देंगे तो ए प्लस ए लेस देन होगा हमारे पास ए प्लस एक्स एन से, जो कि लेस होगा ए प्लस के से, इसका मीनिंग ये जो नंबर है ये भी एक तरह से बाउंडेड ही नंबर है, दिस इज ऑल्सो अ बाउंडेड नंबर जिसकी रेंज ए और ए प्लस के बीच में आ रही, इसकी हमें आगे जाके हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहां तक आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बार इस जहां तक इसको सारे को स्टेप बाय स्टेप रीड करने की कोशिश करें। अब तक हमने क्या किया, हमने सिंपल इस स्ट्रेटजी को उठाया था, एक्स एन प्लस वन को दोनों तरफ ए से डिवाइड किया था, यदि आप ए से डिवाइड नहीं करते तो आप ऐसे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर पे नहीं पहुंच पाते, तो हमने उसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में करने के लिए पहले ए से डिवाइड कर दिया, फिर रेसिप्रोकल लिया, उसके बाद हमने अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंड कर देने, वो करते ही हमारे पास ऐसा रिजल्ट आएगा। फिर हमने उस टर्म को हटाते हटाते हम लास्ट तक चले गए, फिर लास्ट तक जाते हमारे पास जो लास्ट टर्म थी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखकर पता चल रहा है कि लेस देन वन है, इसका मीनिंग उसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे तो वो टेंडिंग टू जीरो करेगा। अभी सारे के सारे सारे रिजल्ट क्या है, इक्वल है, इसका मीनिंग हर एक रिजल्ट टेंडिंग टू जीरो करेगा, आप किसी को भी उठा ले, तो हमने एन वाले को उठा लिया कि दिस टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो हमारे पास लिमिट आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल जीरो था, तो हमारे पास सारे की सारी टर्म पॉजिटिव है, तो एनी वन कैन डाउट दैट कि मे बी दिस सीक्वेंस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जैसे उसने मे भी लगाया तो हम उसको प्रूव कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि मान लो कि ऐसा होगा फिर क्या होगा, फिर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो कुछ और आंसर देगी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप किसी भी वे में आए आपका आंसर कभी चेंज नहीं करता, यदि आंसर चेंज करता है इसका मीनिंग वी आर डूइंग और सपोजिंग समथिंग रॉन्ग, सो वो रॉन्ग क्या था, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो एक्स एन इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर सकती।
इसका मीनिंग वो इन्फिनिटिव को अप्रोच नहीं कर रही, वो पॉजिटिव, इसका मीनिंग वो बाउंडेड होगी, तो वहाँ पर उसने बाउंडेड की कंडीशन लगा देनी है। जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स एन लेस के, तो हमने ए को ऐड कर देना। तो जहाँ पर मैंने अपने ओर से आपको पूरा फुल रिवाइज करवा दिया कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, सो जहाँ तक करके रखिएगा। अब फिर से चलते हैं, एक तो हमने बाउंडेड कर दिया, लेकिन हमारा फाइनल टारगेट क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। हमारा फाइनल टारगेट है एक्स, हमने शो करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमने एक्स एन को शो करना है इज इक्वल टू ए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है हमने एक्स एन माइनस ए, या फिर आप ए माइनस एक्स एन कर लो, इसको लेस देन एप्सिलॉन करना है। तो दिस इज अवर मेन टारगेट। तो अभी इसी टारगेट के ऊपर चलते हैं, अब जो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। और कृपया इसे ध्यान से देखना, बिकॉज इसका पार्ट आपने खुद करना है खुद, या फिर मैं करवा दूंगा लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको लास्ट टच देते हैं। हमारे पास अगेन मैंने बोला कि हमें लिमिट तक पहुंचना है इस तरह से, तो हम लिमिट की डेफिनेशन यूज करेंगे। अगेन हमारे पास क्या था, वी हैव वही इक्वेशन नंबर वन, हमारे पास था लिमिट एक्स एन, सॉरी यहाँ पर एन है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए माइनस एक्स एन ओवर ए प्लस एक्स एन, हमारे पास कितना था, जीरो था। ये लिमिट है, जब लिमिट लिखी जाती है तो हम उसकी डेफिनेशन लगा देते हैं आंखें मीट कर, वो क्या आती है कि तो देयरफॉर एप्सिलॉन, इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा सच दैट, डेफिनेशन क्या होती है दोनों की, डिफरेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज ए माइनस एक्स एन ओवर ए प्लस एक्स एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। जीरो है इसका मीनिंग जीरो को छोड़ दें, ए माइनस एक्स एन ओवर ए प्लस एक्स एन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अभी a पॉजिटिव है, x एन पॉजिटिव, दोनों का सम फिर से पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू इटसेल्फ होती है, सो वी कैन राइट इट एज a माइनस एक्स एन ओवर a प्लस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू m। अभी ध्यान देना, अभी ये जो नंबर नीचे पड़ा है, ये नंबर a से बड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर है, और k भी हमारे पास कोई नंबर पॉजिटिव ही था बिकॉज हमने उसकी अपर बाउंड फाइंड की, तो वो एक लार्ज नंबर हो सकता है। तो ये जो नंबर है वो a और a प्लस k में लाई करता है, इसका मीनिंग दो पॉजिटिव नंबर के अंदर ये नंबर लाई करता है, इसका मीनिंग a प्लस एक्स एन क्या होगा, इट सेल्फ अ पॉजिटिव नंबर। और यदि ये पॉजिटिव नंबर है, आप इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो आपकी इक्वालिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सो विच इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन इनटू a प्लस एक्स एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमारे तक जहाँ तक हमने इसको पहुँच चुके हैं, तो इसका जो लास्ट टच हमारे पास क्या है, अभी क्या हमारे पास एप्सिलॉन जो हमारे पास होता है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, उस नंबर स्मॉल नंबर से आप किसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपके नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द डेफिनेशन है कि यदि हम जहां पर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, हमारे पास क्या होगा, सो दिस इज द डेफिनेशन है हमारे पास लिमिट की। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इस नंबर को वी कैन टेक, दिस इज एक तरह से हमारे पास ऐसा नंबर है, एप्सिलॉन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वह एप्सिलॉन के आसपास ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब इन दो नंबर का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ चुका है, इसको यदि हम इग्नोर करते हैं, सो दिस इज अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ हमारे पास क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, दिस नंबर टेंडिंग टू, विच इम्प्लाइज दिस ए माइनस एक्स एन की जो लिमिट है, विच इम्प्लाइज हमारे पास क्या है, दिस नंबर टेंडिंग टू जीरो करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हमने अभी क्या बात की कि यदि हम m कोई नंबर डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप जितनी भी टर्म्स लेंगे उन सभी का डिफरेंस जो a से आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन है। जब आप और दूर चलेंगे जब आप इन्फिनिटी तक चलेंगे तो ये डिफरेंस इतना छोटा हो जाएगा कि ये एक तरह से जीरो को अप्रोच करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग a माइनस एक्स एन टेंडिंग टू जीरो करेगी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होगा, यदि आप इस नंबर को इस तरफ ले जाएं तो इसका मीनिंग क्या होगा, विच इम्प्लाइज जो लिमिट है हमारे पास एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन, बिकॉज वेरिएबल जे है इसके ऊपर लगेगी, दिस बिकम्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स एन का जो लिमिट पॉइंट है वो ए होगा, बिकॉज जब आप एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी चलते हो तो सारी की सारी टर्म उस ए के आसपास आ जाएंगी, इतनी पास आ जाएंगी कि उनका डिफरेंस जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट। सो होप सो आपको जिस समझ में आ गया होगा, बिकॉज लिमिट का आपने लास्ट टाइम भी किया था। अभी आप
जी है एनालिसिस थर्ड कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट एम में फर्स्ट ईयर में भी आपने लिमिट पढ़ी थी, वहाँ पर भी हम ऐसे जोर देकर पढ़ते थे, जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं वो बताना कि हम कितना जोर देते इसे डेफिनेशन पर। तो दिस द फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, इतना डिफिकल्ट नहीं था, मैंने रिवाइज करवाया था, आपने करना भी। सेकंड पर आते जल्दी से, सेकंड को कैसे करना मैं स्टार्टअप दे दूंगा, खुद आपने ट्राई करना थोड़ा सा, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेप आप खुद करना, हम जस्ट उसको स्टार्ट कर देंगे कैसे कर सकते हैं। सो थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, अगेन वी हैव वाई ऑफ एन प्लस वन, वाई एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर टू बाई एन, हमारे पास ऐसा रिजल्ट है, ठीक है। अब इस पर इस वाली में हमारे पास क्या डिफरेंस आ चुका है कि यहां पर ए नहीं है जिससे हम डिवाइड कर दें। यदि आप यहां पर ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ए यहां पर आ जाएगा, जस्ट यू कैन डिवाइड, हम कर सकते हैं, क्या बात है, हम बुक से डिफरेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। आप दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दें, वी कैन डिवाइड बाई ए बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों तरफ हम यदि डिवाइड कर देते हैं बाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैं आपका थोड़ा सा सेम ही करवा दूंगा। अरे वाह, ये तो सेम हो चुके हैं। अभी आप इसको सेम लाइन पर करना, कैसे करेंगे, अब जहां पर आपने क्या करना, इस नंबर में से माइनस इसे करना, बिकॉज यदि आप उल्टा करेंगे ए माइनस तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो आप जहां पर अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंडो कर सकते हैं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका वाई एन प्लस माइनस ए ओवर, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया और क्या हम कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो मैं बता देता हूँ। एक बार फॉर्म मुझे सेम बनाने दो, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस टू ए वाई एन एंड दिस इज व्हाट, इसी अंदाज में लिख देते हैं वाई एन माइनस ए ओवर वाई एन प्लस ए की स्क्वायर। देखिए हमारे पास था, लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था, कल आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर लास्ट टाइम हमने किया था कुछ ऐसा कि हमारे पास a माइनस बी था, तो लास्ट टाइम मैं एक बार देख लेता हूँ जब हमने इसको अप्लाई किया तो हमने क्या किया था, हमारे पास ये टर्म थी यस a माइनस। आप देखिए जहाँ पर आप a माइनस बी ए प्लस बी सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी भी कर सकते हो, और आप इस नंबर को b माइनस ए मतलब कोई भी नंबर कर लो, जैसे हमने जहाँ पर किया था लास्ट टाइम हमने a माइनस एक्स एन प्लस वन किया था, इस टाइम आपने बाई एन प्लस माइनस ए कर दिया है, तो दोनों में डिफरेंस कोई नहीं आएगा। यदि आप जहाँ पर ऐसा करना चाहेंगे, इसका मीनिंग हम मैं जहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो सेम माइनस जहाँ से भी कॉमन ले लेना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टोटल को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों ऑलवेज सेम ही रहेंगे, चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पर माइनस करने पर वन था तो हमने इसे फॉलो कर लिया। उसके बाद आप जल्दी से कर देना वाई एन प्लस माइनस ए ओवर वाई एन प्लस ए, तो दिस इज इक्वल टू आपके पास इस नंबर के इक्वल है वाई एन माइनस ए की स्केयर, और ये चलते चलते आपको पता ही है क्या होगा, वाई वन माइनस ए ओवर y1 वन प्लस ए की स्केयर की पावर n होगा। उसके बाद फिर से आपका y1 वन माइनस, देखिए कितना आसान लग रहा है, अब पहले हमने बहुत जोर दिया, तो दिस लेस देन वन होगा, दिस टेंडिंग टू जीरो होगा, सारी की सारी लाइन सेम वही करनी है, जे टेंडिंग टू जीरो होगा इसका मीनिंग जे टेंडिंग टू जीरो होगा, हमने इसको उठा लेना कि दिस टेंडिंग टू जीरो लिमिट आ जाएगी। फिर हमने डाउट करना कि बाई एन हमारे पास सारे के सारे ग्रेटर देन जीरो है, और हम डाउट करेंगे क्या बाई एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो नहीं करता, ये पॉसिबल लगाना कि बाई एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब आप वो इन्फिनिटी वाली लगाएंगे है ना डेफिनेशन, तो वाई एन कॉमन निकालना, तो आपके पास जहाँ पर वन बन जाएगा, पहले ये जीरो था, तो दोनों पॉसिबल नहीं हो गए, तो इसका मीनिंग हमारी डेफिनेशन वो रॉन्ग हो जाएगी जो हमने पॉसिबल किया। इसका मीनिंग ये सीक्वेंस भी हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड होगी। मैं बोल रहा हूँ हर एक स्टेप सेम करना है, सो इट इज़ अगेन बाउंडेड, तब आपको नंबर के डैश यूज़ कर लेना, फिर उसी तरह से आप उसको जैसे हमने फॉलो किया था सारे के सारे स्टेप उसी तरह से करना, और होप सो आप उसको कर पाएंगे, और नीचे जाकर मुझे बताना। आई थिंक मुझे लगता है यदि आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है तो उन्होंने इसे लिखा होगा, आई थिंक उन्होंने कुछ पार्ट किया उसके बाद लिखा है कि सिमिलर टू द अपर पार्ट, लेकिन आपने उस अपर पार्ट को करना, ऐसा मत सोचना कि मैंने आपको मतलब मुझे नहीं आता होगा या फिर मैं करना नहीं चाहता, मैं बता रहा हूँ आपको, गर्मी में बहुत, मैं आपको हर एक स्टेप बोल कर बता रहा हूँ कि जब आप बोले पहुंचेंगे कि ये पॉसिबल, तो आप इस नंबर के ऊपर लगाएंगे तो वाई एन कॉमन निकालना, जहाँ पर वन माइनस ए ओवर वाई एन, और जहाँ पर आपके पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है,
तो मैंने लास्ट टाइम ये अपने क्लास बच्चों को करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जब आप बाई एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी लिमिट वन आ जाएगी। सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो अगर सपोजिशन इज रॉन्ग तो हम कहेंगे हमारे जो लेस देन इक्वल टू वाई है ना वो किसी नंबर लाइक आपके जैसे छोटे होंगे, फिर आप क्या कर देना जीरो लेस देन इक्वल टू वाई, हमारे पास ए है, वाई एन लेस देन हमारे पास के डैश प्लस ए हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है उसी डेफिनेशन को फिर से उठा लेना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई एन माइनस ए, वाई एन प्लस ए आपका जीरो है, इसकी डेफिनेशन लगाना कि ग्रेटर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, दोनों का डिफरेंस आपके पास होगा, फिर से ये नंबर दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर से आपका बाई एन ए को टेंड करा जाएगा, तो दोनों क्या है सेम नंबर को टेंड करते हैं। तो होप सो आपको एग्जांपल समझ में आगे होगी, और इसका जो बी पार्ट है वो आप खुद करना और मुझे बताइएगा। कल वाला भी होमवर्क आपका रहता है, अभी कल वाले होमवर्क को आप किसी बच्चे ने बताया नहीं वो रीड करना, उसमें एक क्वेश्चन में जीएम लगा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, और एक एग्जांपल में हार्मोनिक मीन की बात की है। तो हार्मोनिक मीन का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहीं पर कि हमारे पास थ्री नंबर्स यदि एचपी में है तो उनका हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं वो चीज़ अभी ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए बी एंड सी आर इन ए पी, जब ए पी में है तो आपके पास क्या होगा जो सेंटर वाला नंबर है दैट इज उसका डबल किसके इक्वल होगा ए प्लस सी के इक्वल, और इफ आपके पास ए बी सी आर इन एच पी है तो आपके पास जो सेकंड नंबर है उसका जो रेसिप्रोकल होगा इस तरह से आपके पास रिलेशन होगा इस तरह से, इफ आपके पास ए बी सी आर इन जी पी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो आपका जो सेंटर नंबर है बी इज इक्वल टू आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास होते हैं ए पी के लिए, एच पी के लिए, और आपके पास जी पी। तो जो हमारी एस एस वाली डेफिनेशन एक हमने एग्जाम्पल छोड़ी आपके लिए उसमें आपका एक जी पी है तो वो इस सिचुएशन के साथ काम करेगा, एक उसके आगे जो एस वाला है वो एच एम है अरिथमेटिक एच पी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहाँ पर आपने जो लिमिट कंसिडर करनी है उसे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर टू ओवर समथिंग वन ओवर समथिंग वन ओवर समथिंग, तो वो ऐड करेंगे तो सारा का सारा हो जाएगा। होप सो सब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ कल, जो हमारे पास चार एग्जाम्पल है वो लास्ट करके हमारा फर्स्ट एक पूरा का पूरा इसका जो मेजर पार्ट वो खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जिसका कि पोर्शन काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, एंड फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन, जहाँ से एक आर्टिकल और एक एग्जांपल पक्का है कि 10 नंबर का पेपर हमारा रेडी हो जाएगा आउट ऑफ 50 अब तक, ठीक है। सो आप अपनी रिविजन करते रहेगा और खुश रहेगा और नीचे कमेंट करते रहेगा और अपना जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करें जो बच्चे पीछे रह गए हैं, ठीक है। सो बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।